और बड़ी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में इस वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही और नासिक पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। यात्रा जो है वो नासिक पहुंच चुकी है। नासिक में राहुल गांधी इस समय जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में इस समय राहुल गांधी को देख सकते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ तमाम जो महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। जैसे ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहुंची, राहुल गांधी नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार तरीके से जो है स्वागत किया गया। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीचे की तरफ किस तरह से ढोल मजीरा बजाकर राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से उनका जो है स्वागत किया गया, देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं ढोल मजीरा बजाते हुए राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि लोग ही लोग इस समय त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर के परिसर में मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से शुरू हुई थी, उसके बाद जब उनकी यात्रा असम पहुंची तब राहुल गांधी ने जो है कामाख्या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी, और ये तब हुआ था जब राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तब राहुल गांधी ने कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन किया था। हालांकि उनके दर्शन को लेकर विवाद भी हुआ था, पुलिस ने अंदर जाने नहीं दे रही थी और इसको लेकर काफी विवाद हुआ। उसके बाद जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे तो उज्जैन महाकाल में जाकर उन्होंने मत्था टेका था। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र पहुंची है। अब उनकी यात्रा महाराष्ट्र के नासिक शहर में है और ये त्र्यंबकेश्वर में राहुल गांधी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।